हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों का झड़ना बंद नहीं हो रहा है और गंजापन दिखने लगा है और आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसा हेयर ऑयल बना के दिखाऊंगी जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको कलौंजी ऑयल बनाकर दिखाऊंगी जिसे आप बड़ी आसानी से घर पर ही रेडी कर सकते हैं। इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके बाल काले, लंबे, घने हो जाएंगे और जो बाल गिर चुके हैं वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे खास बात इसकी ये है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल लेना है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल लेना है। यहाँ पर आपको एक बाउल यानी कि 100 ml के आसपास सरसों का तेल लेना है। फ्रेंड्स कंप्लीट प्रोसेस ध्यान से देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। इसको थोड़ी देर गर्म होने देना है। अब आपको यहाँ पर दूसरी चीज जो ऐड करनी है वो है कलौंजी यानी कि ब्लैक क्यूमन सीड्स। कलौंजी का यूज आपने सुना ही होगा कि ये बालों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कितनी ज्यादा कारगर होती है। यहाँ पर आपको 4 चम्मच कलौंजी लेनी है। आपको इसे धीमी आंच पर अच्छे से इसे पका लेना है। इसको जब तक बॉईल करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। फ्रेंड्स ये ऑयल मैं खुद के लिए रेडी कर रही हूँ, मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेमेडी शेयर करूँ। फ्रेंड्स सरसों का तेल बालों का गिरना कम करता है। पहले के लोग तो इसी सरसों के तेल का बहुत ही ज्यादा यूज करते थे। यहाँ पर आपको ओरिजिनल तेल लेना है। ये ऑयल खाने के साथ साथ बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और असरदार होता है। दूसरी चीज जो इसमें मैंने ऐड करी है वो है कलौंजी। ये फ्रेंड्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये आपके झड़ते हुए बालों को भी वापस ला सकती है और नए बाल उगाने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही ये आपके बालों को लंबा, काला, घना और मजबूत भी बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसे 1 या 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि कलौंजी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इस ऑयल में अच्छे से आ जाएं। ठंडा होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काला हो चुका है। अब आपको इसे किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर भी बिल्कुल निकल के आया है। अब इसमें जो लास्ट चीज जो ऐड करनी है वो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। ये आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और उनको जड़ से मजबूत बनाता है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं यह हमारा कलौंजी ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपको किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों पर मसाज करते हुए अच्छे से लगा लेना है। अपने बालों की लेंथ पर भी लगाइए। जिस तरीके से आप अपना रेगुलर ऑयल यूज करते हैं उसी तरीके से आपको अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है। इसको कम से कम 2 से 3 घंटे बालों पर लगाकर रखना है। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात में सोने से पहले लगाइए और इसे ऐसे ही ओवरनाइट लगाकर ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखेंगे इसके रिजल्ट और भी ज्यादा इफेक्टिव और असरदार होंगे। आप इस ऑयल को रोजाना यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। 1 या 2 वीक के इस्तेमाल से ही आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिल जाएगा। ये मेरा खुद का अजमाया हुआ ऑयल है। तो फ्रेंड्स आप इसको यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।